वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ जागृति विहार निवासी युवक यश रस्तों के हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। हत्याकांड को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश मानते हुए पुलिस प्रशासन ने हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही समेत कई संगठनों के पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस नोटिस में कहा गया है कि यश रस्तोगी प्रकरण में संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी में आया है कि उनके द्वारा धर्म विशेष को लेकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने की योजना बनाई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। नोटिस में कहा गया है कि यदि उनके द्वारा इस घटना को लेकर बिना अनुमति धरना प्रदर्शन रोड जाम आदि किया गया तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस पर आज परिजनों से मिलने पहुंचे सांसद राजेंद्र अग्रवाल के समक्ष हिंदू संगठनों ने नोटिस पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि क्या भाजपा की ही सरकार में हिंदुओं की जायज आवाज उठाना गुनाह हो गया है। इस पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने आईजी से बात की। कल सुबह परिजन व संगठनों के सदस्य जिलाधिकारी से मिलेंगे। दरअसल 26 जून को घर से निकले यश रस्तोगी की उसी दिन उसके तीन दोस्तों ने हत्या कर शव नाले में डाल दिया था। बीते दिवस भाजपा के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने परिजनों से मिलकर सांत्वना दी थी। आज सांसद राजेंद्र अग्रवाल परिजनों के बीच पहुंचे। परिजनों ने शिकायत की कि समलैंगिकता के जो आरोप पुलिस ने लगाए हैं वे निराधार हैं। बिना सबूत जो आरोप लगाए हैं उससे पूरा परिवार दागदार हो गया है। इस पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने आईजी से बात की। उधर नोटिस जारी होने के बाद हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही ने यह उद्देश्य श्रद्धांजलि जो यश जो विधर्मियों ने हत्या करी है जिस तरीके से उस लड़के की और उस पर जो प्रशासन ने जो वर्जन मीडिया को दिया है और जो उसमें छपा है हमने तो वो देखा कि उसके अंदर उसको ये कहा गया है कि हिंदू समाज का बालक विधर्मियों से हुआ ही कर रहा था पैसे। तो हमें तो लगता नहीं एक 22 साल का बच्चा एक 40-40 35-35 साल के विधर्मियों से वो भी लिसाड़ी गेट जैसे क्षेत्र में जहाँ 99% आबादी मुस्लिम हो वहाँ जाकर वो उगाही करेगा। वो उगाही करने गया था इतना मैं तो मानता नहीं भाई हिंदू समाज के अंदर इतना ज़्यादा दिल की इतनी घनी आबादी में ऐसे एरिया में जाके वो पैसे उगाने गया था वहाँ। तो ऐसे तरीके से एलिगेशन एक तो हत्या हमारे हिंदू समाज के 22 साल के बच्चे की हुई है और ऊपर से उसके अंदर प्रशासन ने सही तरीके से खुलासा नहीं किया। सही खुलासा होना चाहिए, सही जांच होनी चाहिए। कल जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है उसमें समाज के यहाँ के लोग थे, उसके परिवारजन थे, उसके परिवार के वहीं जो है श्रद्धांजलि दी गई है। और उसके बाद अब परिवार का भी ये कहना था कि भाई पुलिस प्रशासन ने हमें उस समय जब घटना खुली तो हमें थोड़ा सा डराया। और मेरा भी कहना ये है कि जब अगर हम वहाँ कल चले गए श्रद्धांजलि में, आज मेरे ऊपर 149 का नोटिस दिया मुझे प्रशासन ने। मैं एक संगठन से हूँ, एक और संगठन बजरंग दल के महानगर संयोजक दीपक त्यागी जी उन्हें गया, दो चार लोग और 5-7 लोगों को जो एक तरीके से आपने टारगेट किया है कि आप लोग अगर हम हिंदू की साथ ना खड़े हो, हम संगठन से काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं ही नहीं, तो फिर हमें इस तरीके से बांधा जाएगा कि हमें ज्ञापन देने का अधिकार भी नहीं है, हमें अपनी बात समाज की रखने का अधिकार भी नहीं है। तो फिर तो आप एक काम कर दीजिए, मैं संगठन से भी जो है आज ही जो है अपना दायित्व मुक्त हो जाता हूँ और उसके अलावा जो है घर बैठ जाता हूँ। कोई अगर कोई समाज का व्यक्ति किसी भी प्रकार की विधर्मी घटना करते कल को मुझे ही मार देते हैं तो मेरे परिवार को भी क्या नाम है प्रशासन रोक देगा कि सचिन सिरोही जो है वो गलत व्यक्ति था और ज्ञापन देने का डीएम साहब को या माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी को भी मेरा अधिकार ही नहीं है। मैं हिंदू हित में अगर बात कर रहा हूँ, किसी के साथ खड़ा हूँ, तो आप तो इस तरीके से एक तरीके से ऐसा शासन माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है और चला रहा है प्रशासन अपनी मनमानी। तो इस तरीके की मनमानी बिल्कुल गलत है और समाज की आवाज कोई और नहीं दबा रहा, हमारा मेरठ पुलिस प्रशासन दबा रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।